दरवाज़ा लगाने में होने वाली गलतियाँ। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई दरवाज़ा हो चाहे खिड़की हो, वो ईंट चिनाई के फेस में लगाए या सेंटर में लगाए, दोनों में से क्या मजबूती होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ जो है लगा है पूरा सेंटर में लगा है, 9 इंची का ईंट है तो दरवाज़ा पूरा सेंटर में लगा है, ठीक है, इतना जगह आपका हो गया, 4.5 इंची के बाद ये लगा। अब इसकी मजबूती क्या होगा और आप ये अनुमान करेंगे, और हम आपको एक और ले चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये पूरा जो है फेस में लगा है, इसमें मजबूती क्या होगा, ये प्लास्टर होने के बाद इसके बराबर में आएगा। अब देखिए क्या है कि हम आपको बस इसमें यही बोलेंगे कि अगर ऐसे लगाते हैं तो इसका देखिए होल पासनर पूरा जो है फेस में यहाँ दिख रहा होगा, इसमें क्या मजबूती रहा, कोई अगर खींचेगा तो भी खींचा जाएगा। अब इसका जो होल पासनर है ही नहीं, देखिए बस इतना ही छोटा दिया है, और ऊपर वाला का भी कुछ इसी तरीके से है। तो इसमें कमी ना करें, लोहा का दरवाज़ा लगा रहे हैं और आप सेफ्टी नहीं लेकर चल रहे हैं, इसका हम उपाय बताएंगे। इसका होल पासनर देखिए यहाँ पे बस एकदम पूरा फेस में है, एकदम पूरा फेस में है। इसका तरीका देखिए, इसका होल पासनर का भी तरीका बताएंगे। वही अगर आप सेंटर में लगाते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर मान लिया जाए आप यहाँ पर सेंटर में लगाए, अब उसको 4.5 इंची का पकड़ बन गया, देखिए 4.5 इंची पकड़ इधर हुआ, 4.5 इंची पकड़ उधर, पूरा सेंटर में, ये दरवाज़ा जो कभी जो है आपका टूटेगा नहीं, खिंचाएगा नहीं। अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ लगा देते पूरा सटा करके, इसका जो होल पासनर ये जो आप दिख रहे हैं पूरा यहाँ सट के रहता, तो उसमें क्या स्ट्रेंथ है उसको, तो कोई भी आदमी अगर हम बात करें यहाँ पे, कोई भी अगर चाहेगा इसको थोड़ा सा ज़्यादा इसमें दम नहीं है, पकड़ेगा ऐसे और खींचेगा तो ये पूरा खिंचा जाएगा। बोलेंगे अब बोलेंगे वो कैसे, पहला तो इसका होल पासनर ही गलत है, पूरा फेस में लगा, अब इसके जगह पे क्या किया जाए। ठीक है सर, हमको फेस में लगाना, अब होल पासनर का जो है जैसे ये एंगल पूरा सीधा है, इससे ऐसे नहीं दे करके ये ऐसे दे दीजिए, अंदर घुस करके दे दीजिए, बताइए है ना कमाल का उपाय बताया आपको। तब आप फेस में लगाइए चाहे कहीं लगाइए, मतलब जनरली क्या होता है कि ये होल पासनर आपका ऐसे रहता है ये जो लगा हुआ, और लेकिन अब कहा जाए इसको आप ऐसे तिरछा लगा दीजिए तो आपका ऑटोमेटिक जो है 6 इंची अंदर चला गया। तो ये तरीका है अगर आप कभी भी अपना घर का दरवाज़ा लगाते हैं तो, ठीक है, चाहे वो आप लोहा का लगाइए, चाहे आप जो है वुड का लगाइए, चाहे खिड़की का लगाइए, खिड़की का भी पूरा फेस में, अगर फेस में ले रहे हैं तो फेस में ले रहे तो अच्छी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका होल पासनर जो रहेगा सीधा नहीं होकर के तिरछा रहेगा, जिधर आपका जो ईंट का पकड़ बना कर रखेगा, कंक्रीट ढलाई करेंगे पकड़ करके रखेगा, नहीं तो जो है दिक्कत ही आएगी। ये मिस्टेक आपको नहीं करना। एक और चीज़ जो गलतियाँ लोग करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि दरवाज़ा लगाने के लिए कॉलम तो यहाँ है, इधर भी कॉलम है, बीच में जो है 9 इंची का दीवाल दोनों साइड दे देते हैं, कॉलम से 9 इंची दीवाल इधर, कॉलम से 9 इंची दीवाल इधर, उससे क्या दिक्कतें आती है कि भाई क्रैक हो जाए, डेवलप हो जाता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा क्रैक डेवलप, ये जो कॉन्टैक्ट छूट जाता है, जैसे इसके ऊपर लोड आता है कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी क्रैक डेवलप हो जाता है, हो गया क्रैक, ये ख़त्म कहानी इस दरवाज़ा का, इसमें मजबूती नहीं रहा। तो आपको हमेशा जॉइंट देना है कॉलम में, भले ही आप ढलाई से पहले होल पासनर छोड़िए, चाहे ढलाई से पहले जो है होल पासनर लगा दीजिए फिर उसको वेल्डिंग कर दीजिए वो चलेगा, लेकिन जो है बाद में जो लोग करते हैं वो गलत है। यहाँ भी देखिए कॉलम के साथ 9 इंच दीवार दिया गया, इसमें भी क्रैक डेवलप हो गया है, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा क्रैक डेवलप हो गया, ये ज़िंदगी भर के लिए हमेशा दिखेगा ये क्रैक, भले उधर ईंट चिनाई है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर जो है आपका पूरा क्रैक क्रैक दिखेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दरवाज़ा लगाएंगे उसका फेस को लेकर बताया, पूरा सटा के लगा रहे हैं फेस में, तो एंगल जो है इसका होल पासनर अंदर घुस के रहेगा, सीधा सीधा एंगल बिल्कुल नहीं देना है, और सेंटर में लगा रहे हैं तब सीधा जो है होल पासनर दीजिए, क्लैंप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर आप सेंटर में लगा रहे हैं तो, और कभी भी जब कॉलम के बगल में
ईंट चिनाई करके दरवाज़ा मत लगाइएगा, कॉलम से सपोर्ट होना चाहिए तो मजबूती बना रहेगा दरवाज़ा, नहीं तो फिर यहाँ जो है कोई भी खींचेगा चोर तो दरवाज़ा सहित लेकर चला जाएगा। तो दोस्तों इतना ही था, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा उसको क्लिक कर दीजिए, उससे बेनिफिट बस ही होता है जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।